छत्तीसगढ़ में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। जी हाँ दोस्तों, साथ ही किन किन जिलों में क्या क्या छूट दी गई है और क्या क्या चीजों में पाबंदी रहेगी, इसको लेकर के हम आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ में वैसे तो कोरोना संक्रमण की वजह से 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी के चलते आज से प्रशासन की तरफ से कई जिलों में ढील दी जा रही है। लोगों की परेशानी को देखते हुए बिलासपुर, गरियाबंद, रायगढ़ और कांकेर जिले के कुछ बाजारों को खोला जाएगा। इस संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया। हालांकि इस दौरान लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि किन किन जिलों में क्या क्या छूट रहेगी। तो दोस्तों गरियाबंद की बात करें तो गरियाबंद जिले में कपड़ा, जूता, चप्पल, बर्तन, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, जनरल स्टोर, सोना चांदी की दुकान खोले जाने की अनुमति 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी गई है। होटल या रेस्टोरेंट परिसर में विवाह समारोह करने की अनुमति दी गई है, लेकिन 10 लोगों की शर्तों पर। अभी भी 10 लोगों की शर्तें बरकरार रखी गई है दोस्तों। शादी के लिए अनुभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी समझा गया है। साथ ही दोस्तों रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में फिलहाल थोड़ी कम छूट दी गई है। यहाँ किराना दुकानें, मिल्क पार्लर खुलेंगे, इन्हें 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं कुछ पुरानी मंडियां जो धान की फसलों को नीलामी करती है, वहीं वह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। होटल रेस्टोरेंट में अब ऑनलाइन आर्डर के साथ पार्लर की सुविधा भी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, थोक किराना और अनाज के बाजार आलू प्याज की दुकान की 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति रही है। वहीं कांकेर की बात करें तो कांकेर में किराना दुकान, सब्जी दुकान, फल, बेकरी, आटा चक्की, आटा पोल्ट्री, मटन, चिकन, मछली की दुकानों को 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दूध की डेयरी 6 बजे से 9 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। कांकेर में कपड़ा, जूता, चप्पल, फर्नीचर, बर्तन, सराफा बाजार, जी हाँ दोस्तों सराफा बाजार को भी अनुमति मिल गई है। तो वहीं फैंसी आइटम की शॉप, साइकिल स्टोर, टेलरिंग शॉप 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोले जाने की अनुमति मिल गई है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में कपड़ा, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल फोन, ऑटो, बाइक के बाजार खुलेंगे। यहाँ 8-in-1 या लेफ्ट राइट का सिस्टम लागू किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जिला प्रशासन ने अफसर कारोबारियों से बात कर रहे हैं। दुकानों को या नंबर जारी किए जाएंगे या फिर सड़क के एक तरफ दूसरी दुकान पहले दिन खुलेगी, उसके बाद दूसरी दुकान दूसरे दिन खोले जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा अब तक दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति थी, जो कि 5 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई। तो यह छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छी खबर है आई है, जो कि लॉकडाउन के चलते कुछ लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, उसके लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है दोस्तों। वही दोस्तों सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, समय समय पर हाथ धोते रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कहीं भी बाहर निकलने पर मास्क लगाएं।